शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। चाहिए यू आर वेरी काइंड। तुमने मुझे बहुत सताया, मेरी रातों की नींद हराम कर दी। ऐसा तुम क्या कर रहे? आई सेड ऐसा। नहीं मुझे मत मारो, मुझे मत, मुझे माफ कर दो। या तकिया कर लो या फोन, देखते क्या हो। यहाँ और क्या करूँ, जरा ऐसे संभालो ना। हेलो माता जी। माता जी, माता जी का देहांत हो गया। साले अपनी माँ का टेलीफोन नंबर भी याद नहीं रखते। रख दिया। क्या है? मैं गोवर्धन बोल रहा हूँ माता जी। गोबर? ओ सर, देखिए मुझे बड़ी नींद आ रही है, माफ कीजिएगा। सुनिए तो माता जी, आप तो मजाक करने लगे। ओहो अब बस भी करो ना, मैं तो खड़े खड़े सूख रही हूँ। तुम जरा बाहर जाओ। क्या? अरे ये तो मेरा ही घर है, आप मुझे इस तरह बाहर जाने को कह रहे हैं? यू आर ऑर्डरिंग मी? जी नहीं, साथ में कोई है। मैं भला आपको ऑर्डर कर सकता हूँ? मैं तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। शर्म नहीं आती आपको? आपके पास पास बच्चे हैं, फिर भी ये सब लगता है? अरे अगर शर्म आती तो ये सब करता ही क्यों? प्लीज आप ही जरा सोचिए ना। ओके, जल्दी आइए और जल्दी जाइए। बात सुन रहे हो, माँ बच्चा दोनों की देखभाल की जिम्मेदारी तुम पर है। क्या करना चाहिए मुझे? कम से कम अगला बच्चा तो 3-4 साल के लिए रोक सकते। अरे मुंह क्या देखता है, 41 नंबर में रहते हैं। हमको 4 आदमी से जाते रहने का ऑर्डर नहीं है। कैसा बेवकूफ आदमी है, दिल्ली बोले का हम तो 3 ही आदमी है। ये भी ठीक है, लेकिन साहब आप तो मेरे साथ एक, हम दो, टोटल 5 आदमी होते, हमने सब कुछ हो गया। कैसा बकवास करता है, मैं साहब को लेकर मैं जाता हूँ। लेकिन साहब ये लिफ्ट थोड़ी खराब है, ऊपर के बदले नीचे भी जाती है, कभी कभी बीच में अटक भी जाती है। अटक भी जाती है? अच्छा तो ऐसा करो, तुम ही मेहमान को लेके जाओ, मैं सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर जाती हूँ। आ गए तुम, माँ आए हो? कौन है भाई? मैं पूछता हूँ कि तुम कौन हो और यहाँ बेकार बैठे क्यों हो? मैं बैठा हूँ, तुम तो देख रहा हूँ। ठीक है, अपने घर चले जाओ। हवलदार साहब, मैं घंटे भर के लिए घर नहीं जाऊँ। पिछड़ा क्या हो गया? झगड़ा नहीं किया तो पिछड़े जाओ अपने घर, वरना बड़े घर में बंद कर दूंगा, समझे? मालूम होता है कि तुम स्मगलर हो। अरे नहीं नहीं, मैं स्मगलर नहीं हूं, मैं वही बैठा हुआ था, ऐसे ही चला आया। सुनो 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 सुनो, तो पहले पंचनामा करो। पहले ये बताओ तुम कहाँ के रहने वाले हो, तुम्हारा नाम क्या, तुम्हारे बाप का नाम क्या और तुम्हारे। बोलो। मेरा नाम है बेकल चिरैया गोटी वाला। बेकल? बेकल नहीं, बेकल चिरैया गोटी वाला हो गया। नवा नाम? दरअसल मैं फिल्मों में डायलॉग लिखता हूँ, इसलिए होता है। फिल्मों में डायलॉग लिखते हो? अरे कमाल आपने किया। आइए 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 बैठिए बच्चे, पहले आपने मुझे क्यों लिखा? तो आप भी फिल्म में लिखते हैं? माफ करना भैया, मैंने क्या क्या करना जाने क्या कह दिया, आपको स्मगलर समझ। कोई बात नहीं होता, वैसे हम राइटर भी थोड़े बहुत स्मगलर ही होते हैं। अच्छा तो राइटर भी यहाँ वहाँ से मान लेते हैं। वैसा मेरी भी स्टोरी कहीं चिपका दीजिए ना। हाँ मैंने स्टोरी लिखी है, डायलॉग मेरे, गाने मेरे हैं, मगर मैं तुम्हारे पेट पे लात मारना नहीं चाहता। स्टोरी मेरी, गाने और डायलॉग तुम्हारे, मेरी बिगनिंग सुनिए। जरा सर्दी है ना। अरे क्या हुआ आपको? कुछ नहीं, आइए। Oh yes, come in, please. Ah yes, please.
Miss Nita Sinha. She's a nice girl. Please sit down. Yes, please, please sit down. एकदम अकेली है सर, एकदम अकेली है। मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास जीने का कोई साधन नहीं। अगर मिस्टर चैन मिल गए होते तो मैं अब तक गुम हो चुकी होती। नो नो मिस सिन्हा, गुम सिर्फ वही लोग होते हैं जो गुम होना चाहते हैं, और जो गुम होना चाहते हैं वो सीधे रास्ते पर भी गुम हो जाते हैं। लेकिन मैं गुम होना नहीं चाहती, मुझे किसी काम की ट्रेनिंग नहीं दी गई है। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या कर सकती। अरे जैने आपको बताया नहीं कि आप क्या कर सकती? ये बात तो कर ही तय हो चुकी है। क्यों जय? लेकिन सर आपने तो कहा था कि मैं पिछले चार महीनों से मुझे आप जैसी लड़की की तलाश, ऐसी लड़की जिसके चेहरे पर मॉडर्न सोसाइटी की छाप ना हो, जिसकी आंखें ऐसी हो जैसे अभी अभी सपना देख रही थी, होंठ ऐसे हो जैसे अभी अभी मुस्कुराहट गुजर गई थी इन पर से। You are my dream girl. आप मेरे सपनों की रानी हैं। मैं समझी नहीं। मैं समझाता हूँ। अरे आप तो नाराज हो गई। दरअसल मैं तो बिजनेस की बात कर रहा था, अपनी कंपनी के लिए मॉडलिंग की। आई एम सॉरी। ये क्या कह रहे हैं आप? सॉरी तो मैं हूँ। यस शीज वेल 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 देन इट इज सेटल्ड, आप मेरी ड्रीम गर्ल बनेगी। जरूर बनूंगी। वेलकम टू द फैमिली। थैंक यू गुड नाइट। इस माहौल में, इस बाजार में मेरी कदर, मेरे आज की कदर, मेरे जज्बात की कदर कोई नहीं जानता। यू आर क्वाइट राइट सर। शट अप शट अप। आपने बालों में कमी की थी क्या? बाल ठीक हो गए सर? तो कंघी तो नहीं की मैंने। नाउ नाउ आप लुकिंग जीनियस जीनियस। थैंक यू थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये मिस नीता सिन्हा है, मिस्टर चौधरी ने इन्हें सपनों की रानी बनाने का फैसला किया। चौधरी साहब का फैसला करने में क्या जाता है? चेहरा बेजान, आंखें वीरान, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी सर। यू आर क्वाइट ब्यूटीफुल। आप यहाँ क्या कर रहे हैं सर? मैं जरा लाइट चेक कर रहा था। लाइट चेक कर रहे थे? शी इज ब्यूटीफुल। आप जाइए अपना काम कीजिए। आउट आउट। जय, इन आंखों में रंग और इन होठों में शहद खोलना कोई आसान काम नहीं। सर आप बहुत सही जा रहे हैं। थैंक यू। जय, ये लड़की मेरे सपनों के लिए नहीं बन सकती। फिर भी अगर चौधरी साहब का फैसला है तो मुझे कुछ फिल्में खराब करनी पड़ेंगी। सर कुछ खराब कर ही दीजिए सर। मैं भी आया। यस सर। अरे आप तो फिर से रोने लगी। रोइए मत। देखिए हम लोग तो रास्ते के पत्थर हैं, ठोकरे खाना हमारी तकदीर है। आप यहीं ठहरिए, मुझे डर लगता है। मैं यहाँ रह के भी तो कुछ नहीं कर सकता, कपूर साहब मेरे बॉस हैं। जय, आप क्या समझा रहे हैं? जी वो मैं जरा इन्हें हौसला दे रहा था। इन्हें जो कुछ देना है वो मैं दूंगा। प्लीज गेट लॉस्ट। प्लीज गेट लॉस्ट। आप भी? मैं भी। जी सर। सर यू आर जीनियस सर, यू आर जीनियस। थैंक यू। वेलकम। मिस सिन्हा, मॉडल से काम लेने के लिए पहले उसे जान लेना, उसे अच्छी तरह समझ लेना बहुत जरूरी होता है, और खास तौर पे मेरे दर्जे के आर्टिस्ट के लिए। मिस सिन्हा मुझसे डरोगे तो कैसे काम चलेगा? मेरे सपनों की रानी बनना चाहती हो तो मेरी बातों को समझने की कोशिश करो। मॉडल बनने के लिए आबरू की रिश्वत देना जरूरी है क्या? आबरू? आबरू किस चिड़िया का नाम है? आबरू बदन में नहीं दिमाग में होती। ये रिश्वत देकर मुझे सपनों की रानी नहीं बनना है। नहीं बनना चाहती तो जाइए किसी आश्रम में, आबरू की माला जपिए। इस दुनिया में कहना मानने वाले लड़कियों की कमी नहीं। इसलिए ना आप क्यों घर जाइए? मिस्टर कपूर, आप किस किस्म के आर्टिस्ट हैं जो दूसरों के दिल का दर्द और जिंदगी की मजबूरियां नहीं समझते? कोई लड़की मॉडल बनकर पैदा नहीं होती, उसे ट्रेनिंग दी जाती है, उस पर मेहनत की जाती है, उसे यूं शरीर और बेआबरू नहीं किया जाता। आप शायद ये नहीं जानते मिस्टर कपूर कि जब इंसान का दिल बहुत दुखता है तभी रोता है। मैंने इन्हें आपके पास इसलिए नहीं भेजा था कि आप इन्हें रुलाएं,
जब मैंने आपको ये कह दिया कि ये सपनों की रानी बनेगी तो ये सपनों की रानी बनेगी. इज दैट क्लियर मिस्टर कपूर? यस सर. एंड दैट इज फाइन. मिस्टर आप सर बाहर जाइए, मैं भी आता हूँ. लेकिन सर इस लड़की में यकीन मानिए सारा भी कह रहे नहीं. मैंने आपसे मिश्रा के बारे में कुछ नहीं पूछा. यू माइंड योर ओन बिजनेस. आपसे जो कुछ कहा जाता है आप सिर्फ वही कीजिए. जी बाबूजी.